नमस्कार, गार्डनिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है मनी प्लांट पर, और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रीपॉटिंग, मतलब अगर आपने बाज़ार से कोई मनी प्लांट का पौधा ख़रीदा है उसको कैसे प्लांट करना है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये मनी प्लांट का जो पौधा है, ये एक इंडोर प्लांट है जिसे हम मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो प्रोपगेशन है वो कटिंग के साथ होती है। तो चलिए अब हम इसे पॉट में लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो पॉटिंग मिक्सचर है वो कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये जफी मिक्स पॉटिंग मिक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे इस पॉटिंग मिक्सचर में पीट मॉस, वर्मिकोलाइट और परलाइट भी हैं। तो मनी प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए हमें वेल ड्रेनेज पॉटिंग मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे इस पॉटिंग मिक्सचर में वो सब चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास ये वाला पॉटिंग मिक्सचर नहीं है तो आप घर पे भी पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर सकती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सैंड का इस्तेमाल करना है और गार्डन सॉल्ट का इस्तेमाल करना है, और उसमें आप थोड़ा सा काउडंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपने घर पे पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी पॉट में आप अपने मनी प्लांट को लगा रहे हैं उसके नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है। तो मैं अपने जो जफी मिक्स के जो पॉटिंग मिक्सचर में, उसमें ये मैं अपनी गार्डन सॉइल जिसमें मैंने थोड़ी सी ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिक्स की है, तो ये मैं अपने पॉटिंग मिक्सचर में गार्डन सॉइल प्लस ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो मिक्सर है उसे मिक्स कर रहा हूँ। तो 60% भी ये मैंने इधर पॉटिंग मिक्सचर लिया है, मतलब जो जफी मिक्स जो मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, और 40% मैंने इसमें मिट्टी डाली है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अपना पॉटिंग मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। तो जब तक ये अपना मैं पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर रहा हूँ, तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मनी प्लांट को कौन सा एनवायरनमेंट है जो बहुत बढ़िया सूट करता है। तो मनी प्लांट को आप इनडायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं और इनडायरेक्ट सनलाइट में रख के भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दोगे तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, इनडोर रख सकते हैं जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट मतलब छांव में ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा पॉटिंग मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है, तो अब हम अपने मनी प्लांट को इसमें प्लांट कर लेंगे। और जब तक मैं अपने मनी प्लांट की प्लांटिंग कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनी प्लांट को 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वो होना चाहिए, उसमें जो मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़िया होती है। और अब हम अपने मनी प्लांट की जो प्लांटिंग है वो उसमें कर लेंगे। तो प्लांटिंग तो बहुत सिंपल है कि अपना जो पॉटिंग मिक्सचर बनाया है उसमें आपने अपने प्लांट को रख करके और साइड्स की उसकी रूट्स को मिट्टी के साथ कवर कर देना है। जब तक मैं अपने मनी प्लांट की जो प्लांटिंग कर रहा हूँ, तो साथ में आपको पानी डालने के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको पता चले कि आपके मनी प्लांट की जो पत्तियाँ वो पीली पड़ रही हैं, जहाँ उसकी जो स्टेम है वो नीचे से काली हो रही है, तो इसका मेन मतलब है कि आप अपने मनी प्लांट में ज़्यादा पानी डाल रहे हो। और अगर आपके मनी प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो नीचे गिर रही हैं, तो इसका मतलब कि आप उसमें कम पानी डाल रहे हैं, उसको पानी की ज़रूरत है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैं अपने मनी प्लांट को लगभग 8 दिन के बाद पानी डालता हूँ, तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी जो प्लांटिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो पानी डालने के बाद मैं अपने इस मनी प्लांट को इंडोर ही रखूँगा। आप चाहे तो इसको इंडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें लगभग 2 हफ्तों के बाद आप कोई भी किसी भी तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपने मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए काउडंग का इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।